नादरीन अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी और पीर का दिन है। मैं हूं आपका मेज़बान शकील नाइक। सबसे पहले हम आपकी खिदमत में अहम खबर पेश कर रहे हैं। नादरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुक्तदरा कुव्वतों के दरमियान मामलात बन नहीं पाए हैं। गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ हिस्सा सिंध में देने की तैयारी की गई है, लेकिन आज नेब ने तकरीबन कुछ 17-18 जो पीपल्स पार्टी के साबिक अरकान सिंध असम्बली हैं या साबिक सूबाई वज़रा रहे, उन सब को नेब ने तलब कर लिया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मैसेज है कि इसी तरह ये तासुर न दे कि एस्टेब्लिशमेंट उनके उन पर कोई राजी है या एस्टेब्लिशमेंट उनसे मामला तय कर चुके। इससे वाजह हो गया कि पीपल्स पार्टी को अब सिंध में अगर इक्तदार मिला तो वो खींचा तानी वाले मिलेगा, नहीं है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा पैगाम है जो पीपल्स पार्टी क़यादत मिला, जो पिछले दिनों बिलावल भुट्टो जरदारी बगैर किसी वजह के, बगैर किसी उजर के न सिर्फ इमरान खान को इत्तेहाद की दावत दे रहे हैं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर धुएंधार तनकीद कर रहे हैं। हालांकि ये वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जिन्होंने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा के दौर में वजारत खारजा कबूल की। एक इत्तेहादी जमात जिनके साथ आप 1.5 साल पौने 2 साल इकतदार में रहे, अचानक आपने इस तरह की चीज़ें की और इमरान खान से इत्तेहाद करने की कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट को ये सारी चीज़ें पसंद ना आई और जिसकी वजह से अब पीपल्स पार्टी के 18 से ज़्यादा अरकान को नेब ने तलब कर लिया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के सफ़ों में एक बहुत बड़ी हलचल मच गई है, बहुत बड़ा खौफ फैल गया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई इलाकों में जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हैं। उन्होंने एक दूसरे के जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उनकी हिमायत कर दी है और शायद पीपल्स पार्टी की क्यादत के क्यादत या उनके कई सीनियर रहनुमा मुख्तलिफ अजला में वो इन सारे नाराज जो उनके उम्मीदवार हैं उनको मनाने जा रहे हैं और इस तरह की ये सारी चीज़ें वाजे हो गई हैं कि पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनमें कोई हम आँगी नहीं है और वो मुखालिफ उम्मीदवारों की ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतखाबात में धचका लग सकता है। दूसरी जानिब इमरान खान ने जो अपने साथियों को कहा है कि 2 साल तक सब्र करें, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 29 नवंबर 2025 को ख़त्म हो जाएगी, लिहाजा उसके बाद अगर उन्हें नवाज शरीफ ने एक्सटेंशन ना दी तो जो है वो उन्हें उनके जो खास उनके करीबी साथी हैं जनरल फैज़ हमीद, उन्होंने यकीन दिलाया है कि आने वाला जो आर्मी चीफ होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनके साथ हमदर्दी होगी, वो उनका हामी होगा। और इमरान खान ने ये अपने सर्कल में कह दिया है कि आइंदा जो अगर उन्हें हुकूमत मिल गई और तब्दीली आ गई तो इस सूरत में वो जनरल फैज़ हमीद को DGISI लगा देंगे। माजी में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1993 में वज़ीर आज़म बनी थी तो उन्होंने इस तरह का बिल्कुल किया था, उन्होंने जनरल शमसुर रहमान कल्लू को DGISI बना दिया था, हालांकि उस वक्त जनरल शमसुर रहमान कल्लू उस वक्त रिटायर हो चुके, तो लिहाजा ये आइन में और ये फौजी जो रूल्स हैं कानून है उसमें ये प्रोविजन हो चुका है, उस पर एक दफ़ा अमल हो चुका है और इमरान शाह जनरल फैज़ हमीद को अपने इक्तदार में आने के बाद DGISI लगा देंगे और वो उसके आने के बाद जिस तरह इमरान खान की 3.5 साल हुकूमत में जनरल फैज़ हमीद ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, सियासी मुखालफिन को गिरफ्तारियां की, सिंध के हाजिर सर्विस IG को अपने घर से अगवा किया, ये सारे मामला वो एक मरतबा फिर दोहराएंगे और एक मरतबा फिर इमरान खान को जो है वो उनकी हुकूमत में जितने भी माजी के मजालिम हैं उनसे ज़्यादा मजालिम करके दिखाएंगे ताकि इमरान की आने वाली हुकूमत मजबूत हो और वो ज़्यादा देर तक चल सके। अब ये मंसूबे हैं, इमरान के मंसूबे हैं लेकिन कुदरत के फैसले दूसरे हैं। इमरान के जो मंसूबे वो मुकम्मल होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन उनकी मंसूबाबंदी आया हो चुकी है और वो ज़ाहिर हो चुकी है और उनके पार्टी रहनुमा इस वजह से खामोश है। इमरान खान ने अपनी पार्टी रहनुमा को इसलिए भी बोला कि भले उन्हें सज़ाएँ मिल रही हैं लेकिन वो कोई रद्दअमल न दिखाएं, क्योंकि इससे पहले जो 9 मई के वाक़ थे उस रद्दअमल से पाक फ़ौज की क़यादत वैसे ही सख्त नाराज़ है और उन्होंने इस सख्त नाराज़गी के आलम में अपने एक लेफ्टिनेंट जनरल को, 2 मेजर जनरल को और कई सारे दीगर अफसरान को मुलाजमत से रिटायर भी कर दिया, तो इसे वाजे हुआ है
कि वो अब जो है वो फौजी क्यादत कम अज़ कम इन दो सालों में इमरान खान के लिए किसी भी किस्म की कोई नरम गोशा या नरम दिली नहीं रख सकती, और वो यही चाहेगी कि कानून के मुताबिक जो भी फैसला हो, कानून जो भी इन मुकदमात का फैसला करे करने दिया जाए, अदालतों पर छोड़ा जाए, लेकिन फौजी सतह पर इमरान खान से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं रखा जाएगा। नाजी जाती हमारी आज की ब्रेकिंग न्यूज़, हम आपसे उन फिर गुजारिश करते हैं बेल आइकन के बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले खबर मिल सके। शुक्रिया।